कभी कोई जाना अनजाना एक कोई व्यक्ति मिल गया था कुंभ मेले में, किसी साधु का चेला चेली था। बोले महाराज तबीयत कैसी है? मैं क्या खबरदार, मरीज खाने आई क्या? तुम मरीज से पूछने आई है? भूख बेवकूफ कहेगी। कोई साधु की चेली थी, कपड़े साधु के थे, वो पहले भी आती जाती है, कई बार इधर भी आई। वो परिचित साधु था, वो तो चला गया था मेले में से, वो रह गई थी उसकी चेली मेरे पास आई। तो मैं साधु कपड़े देके, मैं कहा कैसे ठीक है? बोले कैसे तबीयत ठीक है? मैं कहा बेवकूफ, जाके अपने गुरु को बताएगी और क्या कर लेगी। मैं कहा मरीज के पास आई है क्या? तबीयत, संत से और तबीयत पूछना कितनी नालायकी है। हम देख रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, हंसते खेलते, और कोई मेरे से पूछे आपकी तबीयत कैसी है तो क्या नालायक हो गया, हद हो गई? ऐसे आदमी को मैं बख्शता नहीं, एकदम रोकड़ा पत्थर मार देता हूँ शब्दों का। और ये कैसेट में भी लगा रहे, किसी संत के पास जाए कैसी तबीयत, क्या हालचाल है महाराज, ठीक ठाक है? ऐसा पूछा तो आप संत के दर्शन में लायक ठहरे, नहीं नालायक हो। संत दर्शन करने जाते तो अपनी लायकत कुछ तो रखो। कैसी तबीयत? मतलब हाड़ मांस वात पीत कफ लीट थूक बराबर बैलेंस है? ये सब बकवास की बात क्या पूछे, मरीजों से पूछो जाके। संतों से तो पूछो, महाराज बड़ी कृपा हुई। अरे तुमने सेठ को सेठ कह दिया तो कोई बड़ी बात नहीं की? हाँ, ये सेठ को जब कुबेर जी कह दो, नगर सेठ कह दो, तो उनका तुमने स्वागत कर दिया। ऐसे ही महाराज को, अरे भगवान, अरे प्रभु जी बाप जी, पूज्य भाव से गया तो तुम्हारे को प्रेम रस मिलेगा। तबीयत कैसी है तो प्रेम रस क्या मिलेगा? डांट की नालत मिली और क्या मिली लोगों के बीच में? हम तो प्रेम रस बांट रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा चलो फलाने साधु की है, साध्वी संन्यास के कपड़े हैं। तो मैं क्या कैसे ठीक? बोले हम कैसे आए? तो बोले महाराज आप ठीक हैं, आपकी तबीयत कैसी है? मैं क्या क्या बेवकूफी भक्ति है वैसे सुना दी, जाके अपने गुरु को बता दे कि हम कितने कच्चे हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मेरी सेविकाएं या मेरे साधक किसी संत के पास जाके पूछे कैसी है तबीयत, तो फिर मेरे लिए लज्जा की बात है। समझ गए? मेरे सत्संगी किसी संत से जाके कभी ऐसी गलती मत करना। महाराज कैसे? महाराज भले तबीयत में ए ए करते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं पूछना। नारायण हरि नारायण। आप तो ए कोई करता हो ना, तो आप उसको ये बताना मेरा संदेश, आप मेरी आज्ञा मानो तो मैं बात बता दूं। और केवल तुम जितने बैठे हो इतने पंडाल में या बाहर, उतने नहीं, करोड़ों लोगों को बताता हूं। अगर मेरी बात, मेरी सेवा करना चाहते हो तो ये मेरी बात पहुंचाना। कभी कहीं जाओ, कोई बीमार हो, तंदुरुस्त हो या 19-20 हो, तो बात में धीरे से बोलना कि हमने ये अच्छी तरह से समझ रखा है कि बीमारी जो भी होती है, स्थूल शरीर में बीमारियां आती है, कितना भी कोई साधु संत डॉक्टर कितना भी संभाले, लेकिन स्थूल शरीर में रोग होते हैं। किसी को कम होते, किसी को जाते होते, लेकिन स्थूल शरीर रोगों की पिटारी, ऐसा हमने सुना है। आप ऐसे रो, हम थोड़ी रुग्ण अवस्था में भी प्रसन्न हैं, और आप में सहन शक्ति, ऐसा करके उसकी प्रसन्नता और सहन शक्ति बढ़ाने का आप सेवा करो। और सूक्ष्म शरीर में चिंता आती है, काम क्रोध आता है, एकाग्रता प्रसन्नता सूक्ष्म शरीर में आती है, ऐसा महाराज जी हमने सुना है, बहन जी हमने सुना है। आप उपदेश मत देना उनको, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा हमने सुना है, एकदम वैदिक बात है, ऊंची बात हमने सुनी। स्थूल शरीर चाहे किसी का भी हो, कितना भी परहेज से जिए, फिर भी कुछ न कुछ मंगड़ीगा होता ही है। हाँ, कितना भी नियम से संयम से, फिर किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन स्थूल शरीर में रोग बुढ़ापा और मृत्यु आती, और सूक्ष्म शरीर में काम क्रोध लोभ मोह एकाग्रता चंचलता, ये सूक्ष्म शरीर का खेल है। और निद्रा और
ईश्वर और हमारे बीच का पर्दा ये कारण शरीर का खेल है। ये खेल बदलते उन सब को जो जानता है वो आत्मा में हूँ, परमात्मा का अविनाशी अंश हूँ, अमर हूँ, ऐसा चिंतन करने से ये तीनों की मुसीबत का बोझ अपने ऊपर से उतर जाता है। हमने ये जाना है, आप भी ऐसा थोड़ा करेंगे ना तो आपको भी लाभ होगा। आपने मरीज को बहुत कुछ दे दिया, फरियादी को बहुत कुछ दे दिया, बीमार को दुखी को बहुत कुछ दे दिया। ध्यान रखना, रुपया पैसा देना, चीज वस्तु देना, इंद्रियगत आराम की चीज़ें देना अथवा संसारी चीज़ें देना, ये कोई सेवा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो बहुत तुच्छ सेवा है, बहुत छोटी सेवा है, नगण्य सेवा है। धन दौलत रुपए वस्तु चीज वस्तु से किसी की सेवा करना बिल्कुल नगण्य है। उसका भाव ऊंचा करना, उसके संस्कार ऊंचा करना और ऊंचे में ऊंचे प्रभु की प्यास जगा देना परम सेवा हो गई। तो आप लोग ये पक्का करना चाहेंगे कि बीमारी पीड़ा शरीर को आती है, दुख चिंता भय क्रोध मन में आता है, राग द्वेष बुद्धि में आता है, निद्रा प्रमाद ज्ञान कारण शरीर में आता है। इन सब को जानने वाला मेरा आत्मा परमात्मा गुरुदेवा पांडुरंगा माजा माधु स्वरूपा हरि ओम 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 आनंद 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 हरि ओम 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 राम 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 माजा पांडुरंगा माजी गुरु मावली इष्ट मावली ओम मावली हरि ओम 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 राम 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 हरे राम 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 हरि ओम ओम।